ये दोनों खीरे मैंने 4 दिन तक नमक वाले पानी में डुबा रखे थे। अब अगर हम इन 2 किलो के ऊपर इस खीरे को लगाकर हाई वोल्टेज बिजली को पास करें तो क्या होगा? चलो करके देखते हैं, लेकिन डोंट ट्राई। अब जैसे ही बिजली ऑन की तो कुछ ऐसा हुआ, ये देखने में बहुत ही मजेदार लग रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस खीरे के अंदर है नमक, नमक यानी सोडियम, और सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स को हाई एनर्जी मिली तो इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी में चले गए और फिर से लो एनर्जी में आने के लिए उन्होंने एनर्जी रिलीज की और हमें देखने को मिला ये अद्भुत नजारा।